हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टैक्सोनॉमिकल एड्स। द टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूडेड अंडर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस the techniques or procedures or stored informations that are useful in identification and classification of organisms. These taxonomical aids helpful in agriculture, forestry, industry, knowing bioresources and their diversity. मतलब कहने का है कि यह वर्गीकी सहायता साधन, हिंदी में इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स को, ये जो एड्स लिखा हुआ है ये एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है। यह क्या है, आपको सहायता साधन, एड कहिए इसको, जैसे प्रचार सहायता साधन है किसी भी प्रोडक्ट को किसी प्रचार के द्वारा टीवी में या पेपर में या विज्ञापन जिसको कहते हैं वही चीज है। तो इसमें क्या है, देखना है कि पहले से जो उपलब्ध स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सहायता हम लोग लेते हैं इससे, मान ली कि नया कोई ऑर्गेनिज्म का खोज होता है तो पहले से स्टोर जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि ये सब डिफरेंट जो देख रहे हैं यहाँ पर सोर्सेस है एड्स का सहायता, या इसमें देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं वो कहाँ है, किस में उपलब्ध है, प्लांट है, एनिमल है, इस तरह से वो बताते हैं। यूज कहाँ होता है इसका, तो एग्रीकल्चर फील्ड में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, हमारे बायो रिसोर्सेस, जो बहुत सारे बायो रिसोर्सेस हैं, बायोडाइवर्सिटी, उसको जानने में ये मदद करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, तो इसमें देखिए बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एक ब्रांच निकला हुआ है और उसी को यहाँ पर क्या किया गया है कि इंडेक्स मैंने एक साथ कर दिया गया है, अलग अलग उसको कर दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए सोर्सेस है यहाँ पर लिखा हुआ, लिविंग सोर्स या नॉन लिविंग सोर्स या डेड सोर्स, प्लांट के लिए कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करेंगे ये लिखा हुआ है, एनिमल के लिए कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करेंगे ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप कि यह प्लांट्स के लिए बॉटनिकल गार्डन है और फ्लोरा है, ये लिविंग सोर्स है। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि हर जगह से अलग अलग प्लांट ले करके उसको वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, उसको केयर किया जाता है, उसमें लेबलिंग, टैगिंग ये सब किया रहता है कि ये कौन प्लांट है, किस फैमिली का प्लांट है। फ्लोरा में आपको दिया हुआ है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं। उसी तरह से हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में क्या होते हैं कि डेड जो प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स को नहीं, छोटे प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीफ या जो भी फ्लावर्स होते हैं उसको सुखा करके, ड्राई करके और उसको पेपर शीट पर लगा करके, फाइल बना करके और जहां कलेक्शन सेंटर होता है वहां पर रखते हैं। देखिए वहां पर फाइल में ये रखा हुआ है, सब ड्रॉ बने रैक बना करके। म्यूजियम में है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उसको प्रिजर्वेटिव में किसी जार या बोतल में रखते हैं। उसी तरह से एनिमल में भी रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क, देखिए एनिमल में लिविंग है, ये जो इंडेंजर्ड जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है, जैसे जू है। फाउना हो गया कि किसी पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए म्यूजियम, हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब क्या है, किताब है। देखिए उधर से एक लाइन में लगा हुआ है, वो सब क्या है, किताब है, जनरल है, जो ये बताता है उसमें किताब में सब लिखा हुआ है, इंडेक्स में लिखा हुआ है किसी पार्टिकुलर टैक्सोन के बारे में या फैमिली के बारे में, मैंने कोई भी चीज़ है उसके बारे में वो लिखा हुआ है यहाँ पर।
उसके बाद है कीज। तो कीज जो है दोनों में ये नॉन लिविंग या डेड में आते हैं। कीज में क्या होते हैं कि डाइकोटोमस कीज इसको कहा जाता है। डाइकोटोमस कीज कहने का अर्थ है कि इसमें दो लक्षणों को यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, उसको हम लोग कपलेट कहते हैं। और उसका जो हर एक जो लक्षण है समझिए कि वह एक लीड कहलाता है। पेयर वाला हो गया दोनों, वो कपलेट हो गया, और एक हो गया उसको लीड कहते हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये करेक्टर मैच कर रहा है कि दूसरा करेक्टर मैच कर रहा है, यानी वह एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग पर ये काम करता है, किससे वो मैच कर रहा है और किससे नहीं मैच कर रहा है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज पर वो काम करता है। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स में कुछ उसमें आपको पहले से लिखा हुआ जो डाइकोमेटोस कीज है वो हम लोग इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सेपरेटली इसके बारे में अलग से। अब हम लोग देखते हैं हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम क्या होता है कि ये स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ या रिपोजिटरी है, संग्रहालय है, जहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राइड करके प्रेस्ड करके या और प्रिजर्व किया जाता है एक सीट पर, कागज सीट पर। देखिए कागज़ सीट पर उसको प्रिजर्व किया गया है और प्रिजर्व करके उसको फाइल बना करके और उस स्टोर हाउस में जहाँ पर या जो रिपोजिटरी है, संग्रहालय है, वहाँ पर उसको रख दिया गया है। इसमें कहता है कि जो सीट बना है उस सीट पर लेबलिंग किया हुआ है, लेबल लिखा गया है। अब ये सब सारे जो लेबल्स हैं इंफॉर्मेशन उस पर किया गया है, यानी दीज सीड्स आर अरेंज्ड इन ए फाइल, है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, एक्सेप्टेड है, जिसको सभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसको अप्रूव किए हुए हैं, उसी सिस्टम के अनुसार इसे फाइल बना गया है। और फाइल बनाने के बाद उसको लेबलिंग उस पर प्रोवाइड किया गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी उस पर क्या रहेगा, उस सीट पर सारा चीज़ लिखा रहेगा, जैसे डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को वो कलेक्शन किया गया, तो डेट ऑफ कलेक्शन रहेगा उस पर। उसके बाद प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से वो कलेक्शन वो प्लांट किया गया है फाइल में जो अटैच किया गया है। उसके बाद उसका इंग्लिश नेम रहेगा उस प्लांट का। उसके बाद उसका लोकल नेम रहेगा जहाँ से लिया गया है। उसका बॉटेनिकल नेम रहेगा उस सीट पर लिखा हुआ रहेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे रहेंगे। उसका फैमिली लिखा हुआ रहेगा, और जिस किसने उसको कलेक्शन किया है, कलेक्टर्स नेम उसको उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो यह जो हर्बेरियम है प्लांट्स का, जो स्टोर हाउस है, बड़े बड़े प्लांट का नहीं, छोटे प्लांट्स का यह स्टोर हाउस है। और इस स्टोर हाउस को हम लोग फ्यूचर यूज में, इसको हम लोग फ्यूचर यूज में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब जैसे कि नया कोई ऑर्गेनिजम्स है या बाद में उसको अगर स्टडी करना है तो वहाँ से फाइल निकालेंगे और फाइल निकाल करके उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट के बारे में उसका सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन सारा लिखा हुआ है। तो क्विक रेफरेंस के लिए, क्विक रेफरेंस ये देता है, यानी तत्काल संदर्भ तंत्र उसके बारे में उपलब्ध करा देता है। जैसे हम कोई कहे कि इस प्लांट के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो तुरंत वहाँ पर लगा हुआ है, तुरंत फाइल निकलेगा और तत्काल जो है क्विक रेफरेंस उसके बारे में हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए ये हर्बेरियम जो है बहुत ही यूजफुल होता है। नाउ अब हम लोग करेंगे दूसरा जो इसके बाद का है टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है कि द लिविंग प्लांट स्पीसीज कलेक्टेड इन द स्पेशलाइज्ड गार्डन फॉर रेफरेंस।
माने जो लिविंग होते हैं प्लांट्स, उस स्पीसीज को किसी स्पेशलाइज्ड जगह पर गार्डन में, जैसे हम लोग गार्डन लगाते हैं तो उसमें तो बहुत कम फ्लावर या ये सब रहता है, लेकिन ये बड़ा गार्डन होता है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए या आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको रखा जाता है। और उस प्लांट्स में क्या होते हैं, लेबल लगे होते हैं, यानी द लेबल्ड प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पर जो लिविंग प्लांट स्पीसीज होते हैं उनका ये काम होता है कि वहीं पर बॉटेनिकल गार्डन में वो पाए जाते हैं। अब देखिए जो फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, फेमस बॉटेनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में है, फेमस है कीव इंग्लैंड में ये पाए जाते हैं या हैं। उसी तरह से इंडिया में, तो इंडिया में आपको इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। इसके बाद इंडिया में ही नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये सब जो है आपको क्वेश्चन रह सकते हैं कि फेमस बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है, उसके बाद इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है। तो इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज उस गार्डन में रखा जाता है और सब लेवलाइज्ड होता है, लेबल्ड होते हैं, मैंने समय लेवल रहता है कि ये किस प्लांट कौन सा स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ये सब किया रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजियम। म्यूजियम में है, बायोलॉजिकल म्यूजियम इसको कहा जाता है। तो इस म्यूजियम में आपको कलेक्शन ऑफ डेड स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन ए कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, प्रिजर्वेटिव जिसे फॉर्मल्डिहाइड का एक्व सॉल्यूशन रखा जाता है उस प्रिजर्वेटिव में, फॉर्मलिन कहा जाता है उसे। तो फॉर्मलिन में बॉडी का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जैसे रख देते हैं लिक्विड में उसी तरह से वो उस कंटेनर या जार में पड़ा हुआ रहता है। तो यह जो म्यूजियम का सेटअप है, यह सेटअप आपको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, उसमें ये म्यूजियम प्लांट के लिए अलग म्यूजियम होता है और एनिमल के लिए अलग होता है। इसको बॉटनी और जूलॉजी में इसको अलग अलग उसका लैब बना होता है और उसी लैब में ये म्यूजियम स्पेसिमन के नाम से भी ये सब जाने जाते हैं। ठीक, अब कहता है कि छोटे छोटे तो कंटेनर में हो गए, लेकिन जो बड़े होते हैं जिनको कंटेनर जार में नहीं रखा जा सकता है, उनको आप क्या करते हैं, स्टफ्ड करके और उसको आप रख सकते हैं, या उसके स्केलेटन को, जैसे लैब में देखे होंगे ह्यूमन स्केलेटन को क्या किया जाता है, रखा जाता है एक डिफिनिट पोजीशन पर। तो क्या है, स्केलेटन को कलेक्शन आपको रखा गया है। तो यही म्यूजियम स्पेसिमेन कहलाते हैं, जिसमें प्लांट्स और स्पेसीज को आपको प्रिजर्व रखा जाता है कंटेनर में, जार में, जो छोटे होते हैं, और बड़े को स्टफ करके या उसके स्केलेटन को फॉर स्टडी या आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। स्कूल कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें रखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज। अब हम लोग देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में कि जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि दोज प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन उसको क्या करेंगे, केयर करेंगे और प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि जू होते हैं, उस जू में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है जहाँ पर प्रोटेक्शन है उसका, उसका केयर है और उसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बारे में जो स्टडी करना चाहते हैं वो भी स्टडी उसे कर सकते हैं। अब इसमें जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं की क्या है, जैसे कि चाबी, एक चाबी है और ताला है,
अब जिस चाबी से वो ताला खुल जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस चाबी में, जो नहीं खुला उसको दूसरे में अब ट्राई किया जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज इसमें कहा गया है कि द की इज गिवन बाय जॉन रे के द्वारा दिया गया है। और ये क्या होते हैं कि स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर ये की बनाया गया है। अभी बोले हैं कि जिस लॉक में वो चाबी फिट हो गया उसे खुल जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया, सिमिलर है उसके, और जिसमें वो चाबी फिट नहीं हुआ वो डिसिमिलर हो गया, वो दूसरे ताले को खोलेगा, है ना, दूसरे लॉक को खोलेगा। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है। अब इसका बेसिस क्या है, की का बेस क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन द डाइकोटोमिक टेबल, डाइकोटोमस की जिसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग प्रेजेंट या एब्सेंट, है ना, तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, अगर किसी चीज में वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो यही ना दो कॉन्ट्रास्टिंग होगा, की होगा उसका, तो कॉन्ट्रास्टिंग की हो गया। और इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पेयर में जब रहेगा तो उसको कपलेट कहते हैं, जैसे टेंटिकल्स प्रेजेंट और टेंटिकल्स एब्सेंट, तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाएगा, कपलेट कहलाएगा, ठीक। और उस पेयर का मान टेंटिकल्स मान लीजिए प्रेजेंट या टेंटिकल्स एब्सेंट, तो वो पेयर हो गया तो वो कपलेट कहलाएगा। और उसका जो एक वर्ड है, एक माने कि स्टेटमेंट है, जैसे टेंटिकल प्रेजेंट, तो ये क्या कर रहा है, लीड कहलाएगा, या टेंटिकल एब्सेंट वो क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा, माने लीड माने मार्गदर्शन, वो बता रहा है कि टेंटिकल प्रेजेंट है या टेंटिकल एब्सेंट। जब दोनों साथ में रहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो वो कपलेट कहलाएगा, और एक स्टेटमेंट उसका, दोनों कपलेट का एक स्टेटमेंट लीड कहलाएगा, है ना। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं, तो एग्जांपल्स क्या है देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल, कीज का, कीज का एग्जांपल वन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है तीन ऑर्गेनिज्म दिया, तीन एनिमल दिया हुआ है, ऑक्टोपस है, है ना, सी एनिमोन है और जेलीफिश है। तीनों में लगभग सिमिलर उसका कैरेक्टर है। अब इसी को हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के आधार पर इसी को अलग अलग करेंगे, बाई परपेट करेंगे। अब जैसे फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है, जैसे वन का ए मानिए लिख दिए टेंटिकल्स प्रेजेंट, तो ये एक लीड हो गया, टेंटिकल्स प्रेजेंट। और वन का भी इसी का कॉन्ट्रास्टिंग हो गया टेंटिकल्स एब्सेंट, ये हो गया अलग। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कपलेट कहलाएंगे, ये दोनों कपलेट हो गया। और इसका एक स्टेटमेंट जैसे टेंटिकल्स प्रेजेंट तो लीड कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, या टेंटिकल्स एब्सेंट तो वो लीड कहलाएगा। अब कहता है कि टेंटिकल्स प्रेजेंट या एब्सेंट, पहला स्टेटमेंट हो गया इसका, पहला कपलेट हो गया। सेकेंड में कह रहा है कि कितने टेंटिकल्स हैं, सॉरी एट टेंटिकल्स, ये पहले हम लिख देते हैं उसके बाद उसे कंपेरिजन करेंगे। एट टेंटिकल्स है, ये एक लीड हो गया दूसरे कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर का, और टू का बी हो गया क्या, मोर देन एट टेंटिकल्स, मोर देन एट टेंटिकल्स, मोर देन एट टेंटिकल्स हो गया। थर्ड तो ये भी क्या हो गया, एक कपलेट हो गया, ठीक। थर्ड में क्या है, टेंटिकल्स हैंग डाउन या टेंटिकल्स अपराइट, थर्ड हो गया यहां पर देखिए, टेंटिकल्स हैंग डाउन, टेंटिकल्स हैंग डाउन, या थर्ड का बी हो गया टेंटिकल्स अपराइट।
अपराइट हो गया, तो ये थर्ड लीड हो गया। उसी तरह से फोर्थ लीड हो गया इसका, फोर्थ का ये बैलून शेप्ड बॉडी, बैलून शेप्ड बॉडी, और फोर्थ का भी हो गया ये अलग लीड हो गया कि बॉडी नॉट बैलून शेप्ड, बॉडी नॉट बैलून शेप्ड। तो यहां पर अभी बोले हैं कि तीन एनिमल है, ऑक्टोपस है, सी एनिमोन है और जेलीफिश है। अब इसमें हम इसी लीड को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इसमें खोजेंगे। जैसे टेंटिकल्स प्रेजेंट, ठीक, तो टेंटिकल्स प्रेजेंट का मतलब टेंटिकल्स प्रेजेंट या टेंटिकल्स एब्सेंट। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट का मतलब कि अब हम उसमें खोजेंगे, दूसरे नंबर में जाएंगे, दूसरे नंबर लीड में जाएंगे और उसमें खोजेंगे कि एट टेंटिकल्स है कि मोर देन एट टेंटिकल्स है, ठीक ना। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट है का मतलब कि वह गो टू टू, यानी इस कपलेट में हम आएंगे। यहाँ से ये फॉरवर्ड कर दिया, गो टू टू, गो टू टू हो गया। यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आप इसको देखिए, दो नंबर को देखिए, ठीक ना। तो हमने दो नंबर को देख रहा है तो उसमें लिखा हुआ है एट टेंटिकल्स है, ठीक। अब इसमें देखिए तीनों में एट टेंटिकल्स किस में है, ऑक्टोपस में है ना, तो हमको एक मिल गया यहाँ पर ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस यहाँ खोजा जा चुका है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है, अब कहता है मोर देन एट टेंटिकल्स, तो मोर देन एट टेंटिकल्स है तो अब उसमें हम लोग खोजेंगे आपको, मोर देन एट टेंटिकल्स है तो गो टू थ्री, इसमें कह रहा है कि जाइए। आठ टेंटिकल्स वाला तो फुलफिल हो गया, अब मोर देन एट टेंटिकल्स है तो टेंटिकल्स नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है ना। अगर टेंटिकल्स नहीं है, टेंटिकल्स अगर नहीं है तो आप जाइए पांच नंबर में जाइए, पांच नंबर में कोई दूसरा चीज है। हमको अगर इतना ही में मिल जाएगा इसका करेक्टर तो हम लोग क्यों बढ़ेंगे। तो ये इसमें हो जाएगा क्या, गो टू फाइव, करा है कि टेंटिकल्स है तो दो नंबर में पहले खोज लीजिए, और टेंटिकल्स नहीं है तो इस सब में मत खोजिए, पांच नंबर में जो होगा एनिमल उसमें खोजिए। तो हमको ये मिल गया। अब कहता है मोर देन एट टेंटिकल्स है तो इसके लिए आप तीन में जाइए, तीन में जाइए तो यहां पर लिख दीजिए क्या, गो टू थ्री, गो टू थ्री हो गया। अब टेंटिकल्स हैंग डाउन या टेंटिकल्स अपराइट, तो टेंटिकल्स हैंग डाउन का मतलब कि नीचे की तरफ है, टेंटिकल्स अगर नीचे की तरफ है तो चार नंबर को चेक कीजिए, जरा सा पॉइंट उसके लीड को चेक कीजिए कि टेंटिकल्स अगर नीचे है तो उसका बैलून शेप्ड बॉडी है कि नॉट बैलून शेप्ड, ठीक ना। तो टेंटिकल्स हैंग डाउन है तो यहां पर लिख देंगे गो टू फोर। चौथे नंबर लीड को देखिए, कपलेट को देखिए, अगर टेंटिकल्स अपराइट है, ठीक, तो अपराइट है तो देखिए मोर देन एट टेंटिकल्स कह रहा था कि तीन में देखिए, और उसमें टेंटिकल्स अपराइट है यानी वो सी एनीमोन है, तो मिल गया ये सी एनीमोन है। अब देखिए बैलून शेप्ड बॉडी है कि बैलून नॉट बॉडी नॉट बैलून शेप्ड है, तो यहाँ पर चार नंबर देखने के लिए कौन बोला था, ये बोला था कि टेंटिकल्स हैंग डाउन है, ये चार नंबर जो है यहाँ पर देखने के लिए बोला है कि टेंटिकल्स हैंग डाउन है और बॉडी बैलून शेप्ड है। अब बच गया है दो, तो खोजा जा चुका है, बच गया है एक, यानी वो जेली फिश बच गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जेली फिश, और इसमें बॉडी नॉट बैलून शेप्ड, तो इसमें कोई एनिमल ऐसा नहीं है, तीन ही है, तो तीनों का खोज हो चुका, ऑक्टोपस मिल गया, सी एनिमोन मिल गया, जेलीफिश मिल गया। अगर कोई और एनिमल रहता तब आगे हम उसको चेक करते, तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये समझ गए कि का। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल भी है इसमें की का, तो उसमें क्या कहता है।
अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फ्रॉग है, एक स्नेक है, एक टर्टल है, एक इंसेक्ट है, एक स्पाइडर है, एक बैट है और एक बर्ड है। तो इतना यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस सात जो एनिमल्स दिए गए हैं इसमें कैरेक्टर को, की को खोजना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो दिया गया है कि जैसे फर्स्ट में दिया है ऑर्गेनिज्म हैज बैकबोन, यानी बैकबोन है। तो अगर बैकबोन है तो आपको कह रहा है कि दो नंबर जो कपलेट है उसको आप चेक कीजिए, दो नंबर कपलेट को चेक कीजिए, ठीक ना। अब दो नंबर में कह रहा है कि जब दो नंबर में आप गए तो उसमें कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है आपको विंग्स है उसमें, तो विंग्स है तो कह रहा है कि अब छह नंबर में जाइए आप, ठीक। माने बैकबोन है तो दो नंबर खोजिए, अगर विंग्स है उसमें तो छह नंबर में जाइए, अगर विंग्स नहीं है तो तीन नंबर पॉइंट को चेक कीजिए। तो छह नंबर में जब हम गए तो उसमें कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म हैज फीदर, तो फीदर है तो यानी वो वर्ड है, बैकबोन भी हुआ, विंग भी हुआ और उसमें माने फीदर है। उसके बाद उसमें कहता है कि फर्स्ट वाले में ही जो दूसरा बी वाला है ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए बैकबोन, अगर उसमें बैकबोन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो कह रहा है कि सीधे आप पाँच में जाइए, पाँच नंबर जो कपलेट है उसमें जाइए, ठीक, बहुत आसान है। पाँच में जब जाएंगे तो उसमें ए लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म हैज एंटीना, ठीक, बैकबोन नहीं है और एंटीना उसमें है तो वो इंसेक्ट है। देखिए इंसेक्ट है उसमें, एंटीना दो ऊपर निकला हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि जिसमें एंटीना नहीं है, पाँच का बी में कह रहा है ना, फिफ्थ के बी में ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव एंटीना, तो एंटीना वाले में कह रहा है तो उसमें नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर लीड में जाइए, तीसरा नंबर कपलेट में ऑर्गेनिज्म हैज लेग्स, ठीक, तो लेग्स है तो कह रहा है कि ऐसा चार नंबर को चेक कीजिए, तो उसमें इसका मिल रहा है कुछ कैरेक्टर। तो जब ऑर्गेनिज्म हैज लेग तो उसमें आपको मिल गया कि ऑर्गेनिज्म हैज ए सेल, यानी बाहर से एक कवर है, SHELL, तो वो टर्टल होगा। देखिए बैकबोन भी है, लेग भी है और उसके ऊपर क्या है, सेल है, तो वो टर्टल हो गया। और उसी का फोर्थ नंबर का बी जो है वो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए सेल, यानी उसको में बैकबोन है, लिम्स भी है यानी लेग्स भी है और उसमें सेल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो गया। अब बच गया यहाँ पर सांप बच गया है, तो सांप में देखिए लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव लेग, है ना, बैकबोन है और लेग नहीं है, तो वो सांप हो गया, स्नेक हो गया। तो इसी तरह से डाइकोटोमस है, यानी हर कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर में को कपलेट कहते हैं और उसके हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर आधारित होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फ्लोरा फाउना मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग के बारे में। तो ये सारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं वह एक तरह से समझिए कि बुक या जर्नल या इंडेक्स टाइप का है, जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है। अब जैसे फ्लोरा है तो फ्लोरा जो होते हैं वह क्या है कि अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, एक एरिया में प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हैबिटेट के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में उस किताब में या जो भी है उसका उसमें लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद फाउना में है कि फाउना में ठीक उसी तरह से एनिमल के बारे में, किसी गिवन एरिया में एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसके हैबिटेट के बारे में उसमें बताया जाता है। मैनुअल्स है तो मैनुअल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपको नियम पुस्तिका कहते हैं। इसमें क्या है कि लाइब्रेरी ऑफ बॉटनिकल साइंस है, जिसमें इंडेक्स लिस्ट है, इंडेक्स लिस्ट है उसका, सूची पत्र है, या यह जो है इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लांट स्पेसीज इन एन एरिया,
मतलब किसी खास क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की सूची इसमें पाया जाता है मैनुअल में, मैंने किसी खास क्षेत्र में कौन कौन सा आपको प्लांट पाया जाता है उसका उसमें इंडेक्स है, सूची पत्र है, ठीक ना। तो ये मैनुअल्स के बारे में हो गया। मोनोग्राफ्स क्या है? तो मोनोग्राफ हो गया कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर टैक्सॉन, जैसे फैमिली जीनस ऑफ प्लांट, किसी एक टैक्सॉन के बारे में। अब टैक्सॉन आप जानते हैं, एक कोई स्पीसीज भी टैक्सॉन हो सकता है, प्लांट फैमिली टैक्सॉन हो सकता है, जीनस टैक्सॉन हो सकता है। इस तरह से किसी एक आपको टैक्सॉन के बारे में जब ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो उसी को मोनोग्राफ कहते हैं। सभी के बारे में नहीं, इसमें जो है बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज के बारे में वो सूची है बना हुआ किसी एरिया में, लेकिन इसमें किसी एक के बारे में ये रहेगा, ठीक। उसी तरह से कैटलॉग है, कैटलॉग में भी समझिए कि एक तरह से किताब है या कैटलॉग है जिसमें लाइब्रेरी ऑफ बॉटनिकल साइंस है, जिसमें कंटेंट इंडेक्स होता है किसी प्लांट्स के बारे में, उसके में वर्णन किया होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया फ्लोरा फाउना मैनुअल, ये सब जो लगा हुआ है देख रहे हैं, ये सब किताब है, बुक है, इंडेक्स है, ये सब। तो अभी तक ये जो हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में, ये चैप्टर अब समाप्त हो गया। इसमें चैप्टर में हम लोग देखे कि व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, उसके बाद आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद हम लोग देखे उसका जो ये क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका होता है वो देखे, उसके बाद हम लोग ये टैक्सोनॉमिकल एड्स, क्लासिफिकेशन करने का तरीका का मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2, चैप्टर 2 यानी द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।